लेडी वेलिंगटन अस्पताल की सरेनो तामीर का फैसला, 6000 नर्सें भर्ती करने की मंजूरी, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए दाखिला पॉलिसी बन गई, पंजाब की निगरान काबीना का इजलास। मौसम नकवी ने फैसलों की तौसीक की, देहात में सफाई सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू होगा, 16 अरब 77 करोड़ रुपये जारी। काश्तकारी के लिए जदीद तरीका अपनाने का फैसला, सूबाई वजीर एसएम तनवीर का ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी लाने का ऐलान। वजीर इत्तला आमिर मीर ने कहा कि अक्टूबर तक इंतखाबात ना हुए तो इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मजीद 4 माह का बजट देंगे। आवाम को एक और जोर का झटका, नेप्रा ने बिजली 1.81 रुपये यूनिट महंगी कर दी, बिजली जून के बहाना फ्यूल चार्जेज एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इतलाक अगस्त के बिलों पर होगा, लाइफ लाइन सार्फीन मुतासर नहीं होंगे। उधर आवाम पाकिस्तान पार्टी का लिबर्टी चौक में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की वेरिफिकेशन फीसों में 500% तक का इजाफा, एनजीओज, गार्ड्स, असलहा डीलर्स ऑनलाइन पोर्टल पर तस्दीक की फीस बढ़ गई। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक हासिल शुदा आमदन का 80% वेलफेयर के लिए खर्च होगा। पुलिस की वेरिफिकेशन फीसों में 500% तक का इजाफा, एनजीओज, गार्ड्स, असलहा डीलर्स ऑनलाइन पोर्टल पर तस्दीक की फीस बढ़ गई। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक हासिल शुदा आमदन का 80% वेलफेयर के लिए खर्च होगा। लाहौर से दुबई जाने वाले मुसाफिरों का रश, टिकटों का हसूल मुश्किल हो गया। पीआईए के 20 एयर ब्लू के 17 अगस्त तक तमाम टिकट बुक, पीआईए का यक तरफा किराया 1,15,000, एमिरेट्स का 2 तरफा किराया 2.5 लाख तक पहुंच गया। शहर के 4 दरवाजों की असल हालत में बहाली कमीशन, महकमे बल्दियात ने 7.5 करोड़ रुपए मांग दिए। शेरांवाला गेट, कश्मीरी गेट, रोशनाई गेट और लोहारी गेट को बहाल किया जाएगा। उधर लेस्को की गाड़ियों की मुरम्मत के लिए 2 अरब का बजट मंजूर, फील्ड स्टाफ की गाड़ियों क्रेन्स की मुरम्मत होगी। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की सर्जरी का आगाज, पहले मरहले में कमर और चेहरे के जख्मों को साफ किया जाएगा। प्रोफेसर रोमाना इखलाक, डॉक्टर कलीमुल्ला, प्रोफेसर मुस्तासन बशीर, प्रोफेसर कामरान खालिद टीम का हिस्सा है। समनाबाद में नस्ब आरजी ट्रांसफार्मर अहले इलाका के लिए वबाल जान, ट्रांसफार्मर ट्रॉली से मुतअद्दिद अफराद को करंट लग चुका। मकीनों का इल्जाम, लेस्को के खिलाफ एहतजाज, कहा ट्रॉली रास्ते में रखने से ट्रैफिक को भी दुश्वारी का सामना है। बादामी बाग थाने में रिश्वत लेने वाला एहलकार मुअत्तल, बिलाल को अपने ही थाने में बंद कर दिया गया। मुलजम ने लड़ाई झगड़े के केस में 30,000 रिश्वत मांगी, 3,000 लेकर केस खत्म कर दिया। सिटी 42 ने एसएचओ के कमरे में हुई करप्शन की दास्तान सबूत के साथ बयान की थी। गैर कानूनी ठेके देने का केस, साबिक एक्सीएन मियां मुदस्सर, सब इंजीनियर राय औरंगजेब बरतरफ। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने दोनों अफसरान को बरतरफ किया। साबिक एक्सीएन से 1 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, परचम, झंडियों और दीगर आरायशी सामान के स्टॉल सज गए। महंगाई ने जश्न आज़ादी मनाने वालों को भी मुतासर कर दिया। कौमी परचम समेत दीगर अशिया की कीमतों में 100% तक का इजाफा। जश्न आज़ादी पर वन व्हीलर्स, हुल्लड़बाजों की शामत, अहम शाहराओं पर नाके लग जाएंगे। हुल्लड़बाजी, बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाला मैकेनिक भी जेल में जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दरीना मुतालबा पूरा, 38 कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग फैकल्टी मुस्तकिल बुनियादों पर तायुनात, 3 प्रोफेसर, 5 एसोसिएट प्रोफेसर और 30 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल। उधर यूएसएड प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप प्रोग्राम फेज 2 का आगाज, 30 यूनिवर्सिटियों के तलबा प्रोग्राम के लिए अहल करार।
महकमे खसूसी तालीम ने तबादलों से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा और मुलाजमीन 12 अगस्त से दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। उधर नाकिस कारकर्दगी पर 3 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को शोकाज नोटिस। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल कलंदरपुरा, मनाहला कलां और पायलट बॉयज हाई स्कूल वाहदत कॉलोनी शामिल। परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात हैं तो कार्रवाई करें, ऐसा जुर्म जिससे रियासत को खतरा है वो बताएं। जस्टिस राहिल शेख ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। परवेज इलाही को पेश न करने के केस में हाईकोर्ट ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के हुक्म की मौतली में कल तक तौसी कर दी। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई, मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर अवान गिरफ्तार। 16 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। सरकारी ठेकों में मुबैना किकबैक्स वसूल करने का इल्ज़ाम, मुलजम मुबैना तौर पर एंटी करप्शन की तहवील से फरार हो गया था। निगरान वजीर आला वतन वापस पहुंचते ही मुतहरिक मोहसिन नकवी से कैनेडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। स्मोक के चैलेंजेस से निपटने के लिए तकनीकी मुआवनत पर बात। कैनेडियन हाई कमिश्नर लेजली स्कैनलन का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, आईजी से मुलाकात की। कैनेडियन हाई कमिश्नर जहांगीर तरीन से भी मिली। मरियम नवाज से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। जमहूरियत की मजबूती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात। दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई हलकों के कोआर्डिनेटर्स का भी इजलास। परवेज रशीद, तलाल चौधरी, उज़्मा बुखारी, सानिया आशिक की शिरकत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। अलीम खान से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। जलील सेक्रेटरी हाफिज आबाद, अफजाल अहमद, नायब सदर राय नवाज खल और सेक्रेटरी सिकंदर हयात तारड़ शामिल। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में आम शहरियों का इलाज। वजीर प्राइमरी हेल्थ की सरबराही में कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि आम शहरियों के ऑपरेशन पर हेल्थ कार्ड के निरखों पर अदायगी की जाएगी। बच्चों की पैदाइश के लिए ऑपरेशन पर तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब करेगी। सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की मुलाकात। सूबाई वजीर ने कहा कि दुनिया भर में हलाल गोश्त की मार्केट 2000 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। गोश्त की बरामदात बढ़ाने से मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत इजलास। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई पर तबादला ख्याल। जश्न आज़ादी की तैयारियों पर भी अफसरान के साथ बैठक हुई। शहर के 43 तजारती मराकज को रोशनियों से आरास्ता करने का फैसला। अदम दिलचस्पी और गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। सीसीपीओ लाहौर का जेर इरतवा केसेज जल्द अज जल्द निपटाने का हुक्म। इकबाल जौन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और अहलकारों के लिए कैश इनामात। आईजी इनामात और तारीफी असनाद देंगे। डीआईजी लियाकत अली मलिक, इमरान किश्वर को 3 लाख तारीफी असनाद की मंजूरी। एसपी अयाज खान, अम्मारा शिराजी, सैयदा शहरबानो, बुशरा निसार, साद अफरीदी के लिए भी नकद और तारीफी असनाद की मंजूरी। चोंग में जेर तरबियत पुलिस अफसरान का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। वफ्त को ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर, इमरजेंसी हेल्प सेंटर, कॉल डिस्पैच कंट्रोल सेंटर का दौरा कराया गया। प्रोफेसर अब्दुल अजीज पोस्ट ग्रेजुएट में तरबियती वर्कशॉप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शुबा पल्मेनोलॉजी ने अहतमाम किया। जेर तरबियत डॉक्टर्स को आईसीयू, अमराज सीना और टीबी पर लेक्चर। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज का इजहार ख्याल। प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद, प्रोफेसर शमशाद रसूल की शिरकत। खवातीन पर तशद्दुद से मुतालिक रिसर्च स्टडी की रूनमाई तकरीब। डीडी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक की शिरकत। डॉक्टर जावेद अकरम भी शरीक हुए। यूएनएफपीए की डॉक्टर रोबीना अली ने शुरका को रिसर्च स्टडी के बारे में आगाह किया।
यूएमटी और पंजाब जॉब सेंटर में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, कुर्रतुलैन बाबर और शम्सुल इस्लाम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। नौजवान तलबा के लिए जॉब्स, इंटर्नशिप्स के मौके फराहम किए जाएंगे। इंडोनेशिया के तजारती वफ्द का लाहौर चैंबर का दौरा, मोहम्मद अली मियां, खादिम हुसैन, नदीम मलिक समेत दीगर शरीक हुए। मुकामी कारोबारी अफराद के माबैन तजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक। कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर के इंतखाबात, अबादुल हक सदर, मुनीर बाजवा नायब सदर मुंतखब, वजी शेख सेक्रेटरी, नईम मलिक नायब सदर, जैनुल आबिदीन खजानची बन गए। गोल्डन पर्ल हेड ऑफिस में 14 अगस्त की मुनासबत से तकरीब, सीईओ शेख आबिद ने परचम कुशाई की, टीम के हमराह यौम आजादी का केक काटा। उधर एसके फाउंडेशन और आरसीएल ग्रेस की पीआईसी में तकरीब, दिल के मरीज बच्चों ने यौम आजादी का केक काटा, शाइस्ता खावर भी आए। बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार, लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल छलक पड़े। जोहर टाउन समेत दीगर इलाकों में रिमझिम गर्मी और हब्स के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। गैर इखलाकी स्टेज ड्रामे पेश करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त, तमासिल थिएटर, नाज थिएटर और शमा थिएटर इंतजामिया को शोकाज नोटिस जारी। अदाकारा रूप जट, तबस्सुम, काजल चौधरी, नायाब खान पर फहाशी फैलाने का इल्जाम है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कंबोडिया से मैच की मेजबानी का ख्वाहां, पंजाब स्टेडियम में मुकाबले के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड को खत लिख दिया। पाकिस्तान टीम पहला क्वालिफायर मैच 12 अक्टूबर को कंबोडिया में खेलेगी। 8 साल के बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी का मौका मिलेगा।